बाजार जैसा रोस्टेड चिकन घर पर बिना तंदूर, बिना अवन के, बिना रोस्टर के कैसे बनेगा वो इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट को यूज़ करके गैस पर आप रोस्टेड चिकन, नॉट अ फ्राइड चिकन, रोस्टेड चिकन कैसे बना सकते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें, आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और घर पर ही आप बिल्कुल मार्केट जैसा रोस्टेड चिकन बना सकते हैं। तो इस रोस्टेड चिकन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आधा किलो चिकन, जिसमें मैंने छोटे पीसेस भी रखे हुए हैं और बड़े पीसेस भी रखे हुए हैं, ठीक है। और जो इसकी लेग पीस थी उसमें इस तरीके से कट लगा दिया है और यहाँ पर मैंने बोनलेस और बोन वाले पीसेस भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस आधा किलो चिकन में हम डाल देंगे एक नींबू का रस, ठीक है। इसको अपने हाथ पे इस तरीके से निचोड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि इसकी बीज अलग हो जाएगी और सारा रस ईजली चिकन में चला जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद इसके अंदर आप डाल दें थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा अभी नमक नहीं डालेंगे। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा ही रेड फूड कलर, जैसे कि बाज़ार के रोस्टेड चिकन में होता है रेडनेस, उसके लिए, ठीक है। आप अगर कलर नहीं चाहते हो तो यहाँ पर आप फूड कलर को भी अवॉइड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। बस इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसको रख देना है साइड पर थोड़ी देर के लिए, जब तक हम आगे का प्रोसेस करें तब तक के लिए, ठीक है। इस चिकन को बनाने के लिए आपको कोई 1-2 घंटे पहले से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ये इंस्टेंट रोस्टेड चिकन है। तो अब आगे के प्रोसेस के लिए हमने लेना है बड़ा बोल। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम दही, क्योंकि ये दही थोड़ी लिक्विडी है इसलिए आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप गाढ़ी दही लें तो उसे आधा कप ही लें, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच है रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आपको तीखा पसंद हो। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि पहले हमने नमक इसमें डाला हुआ था, इसलिए यहाँ पर अभी हम थोड़ा डालेंगे, फिर बाद में हम टेस्ट चेक कर लेंगे। अगर नमक कम होगा तो और ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, जो कि होममेड है, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। फिर इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हम लेंगे इसमें कुटी काली मिर्च, और अब जाएगा इसमें 1 बड़ा चम्मच शेजवान चटनी, 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम टोमेटो सॉस, और 2 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस, और 3 छोटा चम्मच डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, ठीक है। ग्रीन चिली सॉस थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और टोमेटो सॉस थोड़ा सा कम रखेंगे, ठीक है। फिर इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना। ओके, फिर जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, तब हमने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल अच्छे से गरम करके इसमें डालना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो ये मैरिनेशन बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो जाएगी जब आप इसके अंदर ये सरसों का तेल गरम करके डालेंगे तब, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर ये चिकन भी डालना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर अब आगे के प्रोसेस के लिए आपने लेना है कढ़ाई, इसको अच्छे से गरम करना है और इस चिकन को हमने इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देना है और लिड को कवर करके हमने इसको अच्छे से पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। और बीच बीच में आपने इसके कवर को हटा के इसको अच्छे से चला भी देना है, ठीक है, ताकि नीचे चीज़ें लपटे नहीं और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स भी होती रहे, ठीक है। फिर 10 मिनट के बाद आपने इसके कवर को कम्प्लीटली हटा देना है और हाई फ्लेम करके इसको चलाते हुए भूनना है, ठीक है, ताकि जो दही का पानी है वो बिल्कुल सूख जाना चाहिए, इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगे, तब तक आपने इसको चलाते हुए अच्छे से पकाना है। कंटिन्यू नहीं चलाना है, नहीं तो इससे क्या होगा कि जो हमारे चिकन की पीसेज है ना वो टूटने लगेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर पर हमने इसको चलाना है। बस फिर जब आप देखें कि चिकन में से पानी बिल्कुल सूख चुका है और इसका ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो गया है, भुना भुना सा हो गया, तब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चिकन हमारा जो है वो अच्छे से पक चुका है। अब आगे हमने क्या करना है कि इसी गैस स्टोव पे हम रखेंगे ये कोयला, ठीक है, बड़े बड़े कोयले के पीसेस रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे जाली, ठीक है, और इसके ऊपर हमने ये जो अभी चिकन को पकाया हुआ है उस चिकन के पीसेस को रखना है। और अब गैस को ऑन करके इसको हम अच्छे से इस पर रोस्ट करेंगे, ठीक है। कोयला रखने से क्या होगा कि उसका फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर जो है वो हमारे चिकन में आ जाएगा और घर में रोस्ट किया हुआ चिकन बिल्कुल बाज़ार जैसे ही खुशबू भी देगा, ठीक है। थोड़ी देर ही इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे बस, फिर उसके बाद आपने गैस को ऑफ करना है और इसको गर्मा गर्म सर्व कर देना है। तो सर्व करने के लिए पहले जो हमारी इसके अंदर ग्रेवी बची हुई थी मैरिनेशन, उसको पहले रखेंगे और उसके ऊपर हमने इस चिकन के पीसेस को रखना है। और इसको मैंने फ्रेश पुदीने के पत्ते से गार्निश किया हुआ है, जिससे इसका लुक भी बिल्कुल बाज़ार जैसा ही आएगा। तो लीजिए, बनके तैयार है बहुत ही टेस्टी रोस्टेड चिकन। आप भी एक बार इस तरीके से रोस्टेड चिकन ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको भी ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट करने वाला है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।